अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी यू बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ 202 का लेक्चर नंबर 2, ट्रुथ टेबल्स। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है ट्रुथ टेबल्स। ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनाते हैं, तो आपको कुछ पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं, उसके अगेंस्ट आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। देखें, आपको ये तीन क्वेश्चन सी एम है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले में वो कह रहा है कि ट्रुथ टेबल बनाओ टिल्डा पी हैट क्यू। अब ट्रुथ टेबल बनाते हुए सबसे पहले आपका स्टेप ये है कि आप सबसे पहले आपने वेरिएबल लिखना है कि आपके पास वेरिएबल कितने हैं। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास पी क्यू है, तो आपने क्या करना है, 2 की पावर n, ठीक है। यानी 2 लिखा हुआ है, अब वेरिएबल कितने आपके पास, 2, तो यानी n की जगह क्या आ जाएगा, 2। अब 2 का होता है 4, यानी अगर आप 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4, ठीक है। यानी 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज आपको दी हुई है, यानी कि 4 रॉ बन सकती हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से बनेगी वो हम देखते हैं। तो अब देखें, आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले जिन्होंने CST से 2 पढ़ी है, तो पहले मैं याद देता हूँ। तो देखें, पहला होता है 0 0, ठीक है। अब 0 0 हो गया, आपका 0 0 नहीं हो सकता, अब क्या होगा, 0 1, ठीक है। अब 0 1 हो गया, अब क्या होगा, 1 0, ठीक है। अब क्या हो गया, 1 1, यानी यही, यानी 2 वेरिएबल में सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर भी यही किया हुआ है। अगर अब मैं तो इसको लेट कर लूँ यहाँ पर आसानी के लिए, तो लेट अगर मैं 0 को कर लेता हूँ टी, ठीक है, और 1 तो कर लेता हूँ एफ, ठीक है। तो 0 की जगह आ जाएगा टी, ठीक है, और 1 की जगह आ जाएगा एफ, ठीक है। देखें, यही चीज़ जो है आपकी वो यहाँ बन गई है पूरी, ठीक है। तो ये एक तरीका है आसानी से, जिनको CST से 2 दिन में पढ़ी है उनके लिए आसान है ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक तरीका। अब आप आए दूसरा तरीका, जिसको जिन्होंने CST से 2 नहीं पढ़ी, ठीक है, तो ये भी आसान है। अब आप देखें कि इसमें आपको 4 ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ये तो हमें पता है, 2 की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब आप देखें, आप करना क्या है, अब आप देखें, स्टार्ट आपका TC होगा, ठीक है, स्टार्ट आपका TC होगा, देखें TC ही होगा। आप क्या करेंगे, आप 4 को हाफ कर देंगे, 4 का हाफ क्या होता है, 2, यानी कि हाफ हो गया, यानी कि 2 मरतबा T आएगा और 2 मरतबा F आएगा, ठीक है। तो देखें, यहाँ पर 2 मरतबा T आ रहा है और 2 मरतबा हाफ आ रहा है, यानी अगर 4 को आप हाफ कर दें तो 2 यहाँ 2, यानी 2 मरतबा 2 और 2 मरतबा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया हाफ। तो अब आप देखें, यहाँ पे आपका हाफ हो गया TTFF। अब सेकंड में भी स्टार्ट से होगा, टी से होगा, क्या होगा, पहले टी होगा, फिर एफ होगा, फिर टी होगा, फिर एफ होगा। देखिए, यहाँ पर भी आपको इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब टी हो गया, क्यू हो गया, अब हमारे पास क्या बोल रहा है वो, अब बोल रहा है वो टिल्डा पी निकालो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले टेबल हम बनाते कैसे हैं, देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर लिखा है टिल्डा पी हैट क्यू, ठीक है। अब हमने पहले लिखा पी, लिख दिया क्यू, लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, पी के साथ लिखा हुआ टिल्डा, तो हमने किया क्या, टिल्डा पी लिख दिया। अब देखें, ये हो गया, अब बचा क्या हमारे पास, पूरी इक्वेशन बची, हमने यहाँ लिख दी, यानी ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं पूरी उसमें, ठीक है। अब देखें, आप ये बोले टिल्डा पी, टिल्डा पी क्या होता है, इसका इन्वर्टर, CST से जो हमें उसको बोलते हैं इन्वर्ट कर देना, यानी उल्टा कर देना, यानी टी होगा तो एफ और एफ होगा तो टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये किया हुआ है, टी हो गया एफ, टी हो गया एफ और एफ हो गया टी और एफ हो गया टी, ठीक है, यहाँ हो गया। अब वो ये कह रहा है कि टिल्डा पी का हेड निकालो क्यू के साथ, ठीक है, टिल्डा पी का हेड निकालो क्यू के साथ। तो ये किस चीज़ से निकालेंगे हम, तो देखें यहाँ पे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि टिल्डा पी, यानी ये इसका हेड निकालो, ठीक है, इसका हेड निकालो किसके साथ, क्यू के साथ, ठीक है। इन दो का हमें निकालना है क्या, हेड निकालना है। हेड क्या होता है, हमारा एंड होता है। अब देखिए, अगर हम देखें, आप हम पीछे जाएं तो हमें पता है, चलिए अगर आप पीछे जाएं तो हमें पता है, देखें ये रहा आपका हेड सिंबल, इसको बोलते हैं एंड, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ट्रू ट्रू होता है, बाकी सारे फॉल्ट होते हैं, यानी अगर ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू होगा, बाकी सारे हो जाएंगे फॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ट्रू ट्रू नहीं है, ट्रू ट्रू नहीं है, सिर्फ यहाँ पर, यानी यहाँ पर ट्रू ट्रू है। तो आप देखें, यहाँ पर ट्रू ट्रू था, वहाँ ट्रू हो गया, बाकी सारा हो गया फॉल्स। देखिए, ये सारा फॉल्स हो गया, ये फॉल्स, ठीक है, यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया आपका ट्रुथ टेबल से क्या, टिल्डा पी हेड क्यू, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब आप इसके आगे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड की तरफ आते हैं, ठीक है। अब
इसमें क्या बोल रहे हैं आपको, इसमें बोल रहे हैं भाई के टिल्डा पी निकालो हेट और ब्रैकेट निकालो क्यू और टिल्डा आर, ठीक है। अब इसका हमें बनाना ट्रुथ टेबल, ये किस तरीके से बनेगा इसको अब देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, सबसे पहले स्टेप वन है, आपने सबसे पहले वेरिएबल देखने कितने हैं पी क्यू आर। आप क्या करेंगे, टू लिखेंगे, टू लिखा आपने और टू की पावर कर दी थ्री, ठीक है। यानी कि टू को मुझे तीन मरतबा मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, यानी कि एट, यानी कि एट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कि एट रॉस होंगी, इसके अलावा नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो किस तरीके से होंगे, अगर आपने सी एस टी से दो पढ़े तो वही वाली बात, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो वन, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, वैसे आसान है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ज़ीरो वन ज़ीरो, ज़ीरो वन वन वन, ज़ीरो ज़ीरो वन, ज़ीरो वन 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 वन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, देखें एट पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये इसको देखें, अगर ज़ीरो की जगह टी पुट कर दूँ और ठीक है वन की जगह एफ पुट कर दूँ, तो मेरे साथ ये सारा टू टेबल पी क्यू आर ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, ये और आसान। अब आप देखें यहाँ पर आपको लिखा टू की पावर एट, अगर आप एट का हाफ कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर देखें, ऊपर था फोर का हाफ टू, यानी दो मरतबा टू, दो मरतबा फोर, तो यहाँ पर क्या होगा, एट का हाफ छः, यानी कि चार मरतबा टू और चार मरतबा एफ। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, टी से, तो आप देखें चार मरतबा टी हो गया, ठीक है, चार मरतबा टी हो गया और चार मरतबा एफ हो गया, ठीक है। अब ऊपर क्या था, ऊपर ये था कि अगर यहाँ दो हो रहा है, यहाँ एक था, अब देखें अगर यहाँ चार हो रहा है तो आठ का हाफ क्या हो गया, चार, चार का हाफ क्या हो गया, टू, यानी कि क्यू में क्या होगा, टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो क्या हो गया, दो मरतबा टू हो गया, दो मरतबा एफ हो गया, ठीक है, दो मरतबा टी हो गया, दो मरतबा एफ हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका पी क्यू। अब आर में क्या होगा, आर में सिंपल, अब देखें चार के बाद दो, दो के बाद क्या बचता है, एक, तो क्या, यानी क्या होगा, एक मरतबा टी होगा, एक मरतबा एफ, एक मरतबा टी, एक मरतबा एफ, एक मरतबा टी, एक मरतबा एफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, पूरा पी क्यू आर तीन पॉसिबिलिटीज आपकी हो गई हैं। अब क्या करना है हमें, अब देखें सबसे पहले टू टेबल के आपने टू की पावर थ्री ले लिए, एट बना लिया, अब हम देखें पी हो आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया। अब सबसे पहले मैथमेटिक्स में हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये मैथमेटिक्स का रूल, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आपने समटाइम देखा होगा लिखा होता है, मैं यहाँ लिखा हूँ कहीं से लिखा होता है, वन प्लस टू प्लस फोर फाइव प्लस फाइव, ठीक है। अब वो कहते हैं इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो दो मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, फोर फाइव सिक्स सेवन, या सेवन लिख दिया, सेवन के बाद लिखा फाइव, फाइव होता है टेन, ठीक है, टेन सेवन से सेवेंटी, और बोलते हैं आंसर, और ये होता है गलत, बोलते क्यों, हम सही तो किए क्यों, मैथमेटिक्स का रूल है पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आप देखा ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो क्या होगा, फाइव फाइव या टेन, और ये टेन मल्टीप्लाई हो रहा है फोर से, अगर टेन फोर से मल्टीप्लाई होगा तो फोर्टी, तो ये फोर्टी हो जाएगा, ठीक है। और फोर्टी के बाद क्या बचा हमारे पास, टू और वन, ये हो गया थ्री, थ्री प्लस फोर, तो आंसर क्या है, फोर्टी थ्री। तो ये हमारा ऐसा तरीके से, वैसे ये होता है गलत, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर भी हमें यही करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देखें पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया। अब हम देखें क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं ट्रुथ टेबल को बनाते हुए, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। अब आर आ गया, यहाँ पर देखें लिखा हुआ आठ का, आर का इनवर्ट, ठीक है, आर का इनवर्ट लिख दिया हमने, आर का इनवर्ट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, पूरे ब्रैकेट में सब ये वैल्यू बची है हमारे पास, तो ये हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब आर का इनवर्ट क्या होगा, देखें आर का इनवर्ट क्या होता है, हम ऊपर देखिए आ चुके हैं, यहाँ टी होगा वहाँ एफ होगा, यहाँ एफ होगा वहाँ टी, देखें टी हो गया एफ, एफ हो गया टी, 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 ठीक है। अब आगे हैं, अब ये कह रहे हैं कि क्यू और इनवर्ट आर है, यानी क्यू वेल और इनवर्ट आर, ठीक है। अब ये किस तरीके से निकालना है हमें, अब देखें ये बोल रहे क्यू, ये रहा क्यू, इसका क्या कर दो, इसका कर दो और, किसके साथ, इसके साथ इन्वर्टर आर के साथ, यानी इस क्यू और इस आर को हमें करना है और, ठीक है, हमें करना है और। तो वो किस तरीके से, हमें पता है और में क्या होता है, अगर हम ऊपर देख के आए, हमें पता है भाई कि और में, और में ये होता है जहाँ फॉल्स फॉल्स होता है, वहाँ फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू हो जाते हैं। यानी अगर हम, यानी अगर हम इसको आम जमाने में लिखना चाहें तो हेड में, यानी हेड में, यानी एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू होता है, बाकी सारे हो जाते हैं फॉल्स, ठीक है। और वेल में क्या होता है, यानी और में जहाँ फॉल्स होता है वो फॉल्स हो जाते हैं, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, ट्रू, ठीक है। तो सिंपल से ये आप याद रख लें, आपको सारा टेबल याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, और जहाँ एफ होगा वहाँ एफ हो जाएगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। तो देखें
अब देखें यहाँ पे एफ कहाँ है, जहाँ दोनों में देखें, एक यहाँ पे एफ है एक यहाँ पे एफ है, ठीक है मार्क कर लिया हम, यहाँ पे एफ यहाँ पे एफ यहाँ पे एफ यहाँ पे एफ यहाँ पे एफ, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एफ है वहाँ एफ हो जाएगा, उसके अलावा सारा ट्रू हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये एफ था, ये एफ था, ये एफ हो गया, ठीक है, ये दोनों एफ थे, ये एफ हो गया, बाकी देखें सारे ट्रू है, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है, तो सारे क्या हो गए, ट्रू हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, जहाँ तक के काम तो हो गया आपका, ठीक है। अब क्या लिखा है, इन्वर्टर पी यानी क्या, डेक्लिनेशन पी या टिल्डा पी, ठीक है। तो इसका क्या करता है, हमें पता है पी का इन्वर्टर हो जाता है, जहाँ ट्रू होगा फॉल्स, जहाँ फॉल्स होगा मैं ट्रू, देखें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, ठीक है। ये तो हमारा काम हो गया। अब आया हमारा फाइनल स्टेप। अब फाइनल स्टेप हमारा क्या था कि हमें टिल्डा पी को हमें करना हैट क्यू और टिल्डा आर। इस देखें ये आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, ये और ये, इसका क्या करना है, हमें करना है इसका हेड यानी एंड करना है, ठीक है। अब देखें, ठीक है, तो अब क्या होगा, आप देखें टिल्डा पी, उसको मैं अगर मैं मार्क कर लो आसानी के लिए, इसका हेड निकालना है हमें, ठीक है, ये बोल रहा टिल्डा पी, टिल्डा पी कह रहा है। इसका क्या करना है, हमें करना है इसका एंड, ठीक है, इसका करना है एंड इसके साथ, इसके साथ, ये क्या हमारा, ये रहा, इन दोनों को करते हुए हमारे पास ये आना चाहिए, यानी इसका हेड निकाल आना चाहिए, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा आप देखते हैं। अब देखिए अब हमें पता है एंड में, अभी हमने हमने लिखा ही नीचे कि एंड में क्या होता है, जहाँ टी होता है यानी टी, जहाँ ट्रू होता है वहाँ ट्रू हो जाता है, ठीक है, जहाँ फॉल्स फॉल्स उसमें होता है, ठीक है, जहाँ ट्रू होता है वहाँ ट्रू हो जाता है, बाकी सारे फॉल्स हो जाते हैं। तो अब आप ये देखिए, तो अब आप ये देखें यहाँ पर ट्रू का है, यहाँ देखें ट्रू ट्रू, ये यहाँ पर ट्रू है, 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 ट्रू है, ठीक है। एंड में यही होता है, जहाँ ट्रू होता है वहाँ ट्रू हो जाता है, बाकी सारे फॉल्स हो जाते हैं। देखें यहाँ ट्रू था, यहाँ ट्रू ट्रू था, तो यहाँ हो गया ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ हो गया ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ हो गया ट्रू, और देखें बाकी सारे फॉल्स आ गए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ट्रूथ टेबल आसान हो गया, बहुत ही आसान है, एक मतलब प्रैक्टिस करेंगे आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। एक मतलब फिर मैं सेल को रिपीट करवा दूँ, अगर सबसे बड़ा चीज़ होता है आपका सेल, आपका पैटर्न सही होगा तो आप फॉलो कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका चार, ठीक है, आठ को हमने हाफ किया तो चार मरतबा ये बन गया, ठीक है, और चार मरतबा ये एफ बन गया, आसान समझाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से दो मरतबा आपका एफ बन गया ये, ठीक है। तो आप देखें चार मरतबा टी, चार मरतबा एफ, दो मरतबा टी, दो मरतबा एफ, एक मरतबा टी, एक मरतबा एफ, ठीक है, इस तरीके से ही हो गया, ये हो गया। अब आ गए हैं, अब आगे कह रहे हैं आपको हमें निकालना है पी वेल, यानी पी और क्यू, इसका हमें निकालना है एंड, एंड क्या निकालना है, टिल्डा टिल्डा यानी नॉट निकालने का, इसका पी ओवर हेड क्यू का। अब ये भी आसान है, किस तरीके से बनाएगा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अपना क्या देखना है, वेरिएबल देखना है, यहाँ पे क्या है पी क्यू, अब देखें दो मरतबा लिखकर इसका मतलब ये नहीं क्या चाह रहे हैं, पी क्यू यानी क्या है, यूनिक क्या है इसमें, पी क्यू यानी दो ही वेरिएबल। तो आपने क्या किया, आपने आँख बंद कर लिख दिया भाई टू की पावर एन यानी टू है, तो क्या हो गया फोर, तो यानी फोर ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। देखें यहाँ पे एक दो तीन चार लिखी, यानी चार रॉ ही बन सकती हैं, वो क्या हो सकती है, वो हम ऊपर देख के आगे, ऐसे दो मरतबा टी होगा, ठीक है, दो मरतबा एफ होगा, एक मरतबा टी, एक मरतबा एफ, एक मरतबा टी, एक मरतबा एफ, ठीक है, ये होगा एक पॉसिबिलिटी। अब हमें पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब आप देखें यहाँ आपकी मर्जी है, दोनों ब्रैकेट है, या तो आप राइट हैंड साइड ले लें या आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड आसान है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ नॉट, ठीक है, यहाँ नहीं लगा हुआ नॉट, हमने क्या किया, एक मरतबा पी हो गया, एक मरतबा क्यू हो गया, एक मरतबा ये पूरा ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, आगे आया, आगे क्या है, एक मरतबा ये हमने पूरा ले लिया, और फिर क्या किया, हमने एक मरतबा इसका पूरा इन्वर्ट ले लिया, फिर एंड में क्या बचा, पॉसिबिलिटीज पूरी हुई, तो हमने क्या किया, एंड में पूरा क्वेश्चन ले दिया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पूरा ट्रुथ टेबल। अब पी भी आ गया, क्यू भी आ गया। अब पी वेल यानी पी और क्यू किस तरीके से आता है हमारा, पी और क्यू और में क्या होता है, हमें हमें पता है जहाँ एफ एफ यानी फॉल्स फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। तो देखें यहाँ पे फॉल्स फॉल्स था यहाँ पे, तो यहाँ फॉल्स हो गया, बाकी सारे क्या हो गए, ट्रू हो गए। अब पी एंड क्यू, पी एंड क्यू में, क्यू में क्या होता है भाई, यहाँ पे के जहाँ पे हमारा टी टी होता है वहाँ पर सारे टी हो जाते हैं, बाकी सारे फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो टी टी क्या, टी हो गया, बाकी सारे देखें ये फॉल्स हो गए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि पी हेड क्यू का इन्वर्ट निकाल लो। अब हमारे पास पी हेड क्यू क्या, यानी इसका इन्वर्ट क्या होगा, जहाँ टू होगा वहाँ एफ हो जाएगा, जहाँ एफ होगा वहाँ टी आएगा, टी एफ हो गया, एफ टी हो गया, एफ टी हो गया और एफ टी हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब सारी पॉसिबिलिटीज होगी हमारे पास। अब वो ये कह रहे हैं भाई कि इन सब का निकालो एंड, इन सब का एंड निकालना है हमें। देखें यहाँ लिखा हुआ है पी ए, तो ये क्या हमारे पास, ये रहा, इसको अगर मैं बता दूँ आगे पी, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एंड, किसके साथ निकालना है, इन्वर्ट के साथ निकालना है ये,
ठीक है, अब इनको भूल जाए आप, ठीक है। अब वो ये कह रहा है इसका, और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हेड निकालना है, यानी एंड निकालना है। अब हमें पता है एंड में क्या होता है, जहाँ टी होता है वहाँ ट्रू होता है, बाकी सारा फॉल्स होता है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ देखें, यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स नहीं, यहाँ पे आपका ट्रू ट्रू है, तो क्या होगा, ट्रू ट्रू है तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ पे देखें क्या है, ट्रू ट्रू, क्या होगा, जहाँ ट्रू ट्रू है वहाँ क्या होगा, ट्रू हो गया, जहाँ फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो आपका इस तरीके से टेबल हो गया आपका आसान, ठीक है। तो ये था, बहुत ही आसान था ट्रू टेबल, तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आगे आपको कह रहा है यूज़ ऑफ और इन इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, अगर आप वापस आएँ, यहाँ पे आपको एक बात कह रहा है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे, देखें ट्रू टेबल में आपको एक चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे वाजह कर रहा है कि जहाँ ट्रू ट्रू यानी यहाँ टी टी वहाँ एफ एफ हो रहा है, यानी दो पॉसिबिलिटी अगर सेम हुई तो यहाँ पे आंसर क्या रहा है, एफ एफ, यानी अगर ट्रू ट्रू हो रहा है तो एफ हो रहा है, और एफ एफ हो रहा है तो एफ हो रहा है। जबकि अगर ट्रू एफ और एफ ट्रू, एफ टी हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू ट्रू। इसका टेबल लिखा है, यहाँ पे टी एफ आ रहा है, टी एफ या एफ टी वहाँ आ रहा है टी टी, और यहाँ टी टी एफ एफ आ रहा है, वहाँ आ रहा है एफ एफ। तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, यानी एक और आपका समझ लें कि एक और गेट्स आ गया है, सी एस 302 में से गेट्स बोलते हैं, नहीं यानी आपको एक और कन्वर्जन आ गई है इसको, यानी स्टेटमेंट आ गई है आपकी कि आ गई एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तो वो ये आपको बता रहा है, आगे जाके इसका एक्सक्लूसिव आपको वो बता रहा है, वो ये कह रहा है कि फर्स्ट कह रहे हैं, अब एक स्टेटमेंट है, यू कैन गिव मी पेन और अ बुक। अब वो कह रहे हैं कि तो पेन दे दो या बुक दे दो, ठीक है, यानी टू फॉल्स, यानी कि दो बातें कह रहे हैं, या तो पेन दे दो या बुक दे दो। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हम इसको एक्सक्लूसिवली बोल रहे हैं, ठीक है, यानी एक्सक्लूसिव बोलना है तो पेन दे दो या बुक दे दो, तो स्टेटमेंट क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है। अब इसी के जब इसी के बरकस अगर हम ये कहें कि यू कैन गिव मी पेन बोथ बुक, यानी हमें तुम बोथ दे दो, पेन भी दे दो बुक भी दे दो, तो यहाँ पर देखें, अगर आप देखें बोथ ट्रू ट्रू, यानी बोथ फॉल्स फॉल्स, बोथ दे दो यानी पेन भी दे दो बुक भी दे दो, तो इसको हम बोल रहे हैं इन एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं इन एक्सक्लूसिवली, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास दोनों स्टेटमेंट होगी, इसको हम आ रही है फॉल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस बता रहा है कि एक्सक्लूसिव और इन एक्सक्लूसिव में, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस बताया जा रहा है। आगे ये एक और एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई अली इस लिव इन कराची और लाहौर, ठीक है, या तो वो कराची में हो सकता है या लाहौर में हो सकता है, ठीक है, या तो वो कराची में हो सकता है या लाहौर में हो सकता है, ठीक है। उसका मतलब क्या हो रहा है, स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, ठीक है। अब अली इस इन कराची बोथ लाहौर, अब ऐसा तो हो सकता है ना कि बोथ यानी ट्रू टू फॉल्स, बोथ लाहौर, तो स्टेटमेंट क्या हो रही है, फॉल्स। तो ये आपको डिफरेंस बता रहा है कि दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे पास, ये उसको बोल रहे हैं एक्सक्लूसिवली, हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है, और इसको हम बोल रहे हैं इन एक्सक्लूसिवली, ठीक है। इसको हम सी एस सो में सकते ऐसे भी लिखते हैं एक्स और, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसा मेंशन नहीं किया, बस बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखें आप यहाँ पे लिखे हो यूजेज ऑफ और इन इंग्लिश, इंग्लिश वर्ड, द वर्ड और समटाइम यूज इन एक्सक्लूसिव सेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दी, यहाँ पर वो एग्जाम्पल ली, एग्जाम्पल आई शेयर बाय अ पेन और अ बुक, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में बाय अ पेन और अ बुक, इन बोथ केसेस द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, बाय पेन दे दो या बुक दे दो, तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है इफ़ यू बाय बोथ पेन एंड बुक दैट स्टेटमेंट अगेन ट्रू, अब वो कह रहा है आप बोथ दे दो, स्टेटमेंट तो फिर भी ट्रू ही है, लेकिन क्या ये इंक्लूसिव सेंस में वो कह रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यानी बोथ आ रहा था वो क्या हो गया, इंक्लूसिव सेंस में हो गया, अगर वो बोथ नहीं बोलता वो क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव सेंस में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आए, यहाँ पर कह रहा था वर्ड और समटाइम यूज इन एक्सक्लूसिव सेंस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पहले हमने इंक्लूसिव सेंस में यूज़ किया, अब इसको यूज़ कर रहे हैं एक्सक्लूसिव सेंस में, एक्सक्लूसिव सेंस में क्या होगा भाई, पी और क्यू यानी बोथ नहीं होगा, या तो तुम मुझे पेन दे दो या बुक दे दो, बोथ नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, हमारे एक्सक्लूसिव सेंस में हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बोल दीजिए, टुमारो एट 9 आई विल बी इन लाहौर और इस्लामाबाद, ठीक है, या तो मैं लाहौर में हो सकता हूँ या मैं इस्लामाबाद में हो सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑन एन एक्सक्लूसिव सेंस में वो कह रहा है, ठीक है। वो कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि अगर वो भाई इस्लामाबाद में भी होगा लाहौर में भी होगा तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, इन एक्सक्लूसिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है और यूज इन इंक्लूसिव सेंस, ठीक है। तो इसका सिंबल है इंक्लूसिव और, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, उसका सिंबल तो पता है और का क्या होता है, ये होता है। तो अब आप आगे हैं, आगे आपको बता रहे हैं एक्सक्लूसिव और, ठीक है, ये क्या होता है। तो इसका देखा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पी एक्सक्लूसिव और, ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिव, ये हो गया एक्सक्लूसिव और, ठीक है, और ये आपके हो गया वेरिएबल पी यू क्यू, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं पी, और ये सिंबल जो है प्लस के ऊपर जो आप सर्कल आ रहा है इसको शो करता है एक्सक्लूसिव और, इसको आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें दोनों सही है, ठीक है। अब इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, वही वाली बात, पी क्यू टू की पावर 4 हो गई तो क्या हो गया, फोर पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्या होगा, दो मतलब टू, दो मतलब एफ, एक मतलब टू, एक मतलब एफ, एक मतलब टू, एक मतलब एफ। अब ऊपर हम देख के आ चुके हैं क्या होता है, अगर ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स होगा तो क्या होगा, अगर ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स होगा तो क्या होगा, हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स,
ठीक है, लेकिन अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, ठीक है, तो फॉल्स ट्रू तो क्या हो रही है हमारे पास, ट्रू हो रही है, तो यही हम ऊपर देख के आए हैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया एक्सक्लूसिव फॉल, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सक्लूसिव फॉल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक का तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसका ट्रुथ टेबल क्या है, अगर आप नोट करें, हम ट्रुथ टेबल ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, कहाँ पे देखें, ये रहा ट्रुथ टेबल, हम ऑलरेडी एक्सक्लूसिव फॉल का पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको हमें कहा समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब आप आगे हैं, आगे आप कह रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसमें क्या होता है, टू लॉजिकल इक्वेशन हैव द सेम लॉजिक वैल्यू देन द ट्रुथ टेबल हैव टू लॉजिक एक्सप्रेशन, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये किस तरीके से हो गया, आपको ये कह रहा है कि ठीक है, अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि इन्वर्ट नॉट, यानी नॉट जो है नॉट पी और नॉट इक्वल है पी के, किस तरीके से आपको ये दिया हुआ डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसने इसने क्या किया, पहले पी लिखा फिर पी का ले लिया इन्वर्ट, यानी टी का एफ हो गया, एफ का टी हो गया। अब इसने लिया डबल इन्वर्ट, ठीक है, डबल इन्वर्ट में क्या हो गया, यानी एफ हो गया, अब एफ का हो गया टी और टी का हो गया एफ। तो अब आप ये देखें, ये जो है एक्स के इक्वल हो गया, यानी कि पी इक्वल हो गया इसके। आप देखें यहाँ पे ये जो है इसके इक्वल हो गया, ये जो है वो इसके इक्वल हो गया, देखें टी टी एफ एफ, सिंपल इसमें यही बताया कि लॉजिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे हैं, आगे लिखा हुआ है इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू डेट आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। वो कह रहा है ये शुरू सही नहीं है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, ठीक है। अब इसको हमने जो है सिंपल के फॉर्म में लिखना है, किसी से लिखेंगे हम लेट के लिए पी के आई, देखें इट इज़ नॉट ट्रू डेट आई एम नॉट हैप्पी, तो इसमें क्या हो सकता है कि आई एम हैप्पी, ठीक है। हमने क्या किया, पी सपोज कर लिया आई एम हैप्पी, नॉट पी क्या होगा आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। आई एम नॉट हैप्पी तो आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, अब क्या लिखा है इट इज़ नॉट ट्रू बचा हमारे पास। हमने क्या किया, नॉट नॉट इट इज़ नॉट ट्रू डेट आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है, नॉट पी ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या किया एक और नॉट कर दिया, इट इज़ नॉट ट्रू डेट आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। अब हमें पता है कि ऊपर हम देख के आ चुके हैं कि ये चीज़ जो इसके बराबर होती है, यानी कि दो मतलब डबल नेगेटिव जो होता है वो आपके स्टार्टिंग के इक्वल होता है, यानी पी के इक्वल होता है। तो हैंस इस गिवन स्टेटमेंट के, यानी कि गिवन स्टेटमेंट कौन सी है, इसके मुताबिक कि ये जो हैप्पी है, क्यों, क्योंकि हम बताइए स्टेटमेंट जो है डेट आई एम नॉट हैप्पी के, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है स्टेटमेंट किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। तो इसके इक्वल क्या है, आई एम हैप्पी, इसका मतलब क्या हुआ क्या है, गिवन स्टेटमेंट इक्वल टू आई एम हैप्पी, क्या कि मैं हैप्पी हूँ। तो आप देखिए इट इज़ नॉट ट्रू डेट आई एम नॉट हैप्पी, कि मैं ये नेसेसरी ट्रू नहीं है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो क्या हो गया आई एम हैप्पी, ठीक है। तो ये सिंपल ये इसमें बताया गया है। तो अब इसका उन्होंने ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं आर नॉट लॉजिकली इक्वलेंट, ठीक है, वो इक्वलेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना, सबसे पहले हमें क्या पता है कि दो वेरिएबल टू की पावर टू क्या आ गया, फोर आ गया, ठीक है, फोर आ गया। पी को लिखा हमने टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। अब यहाँ पे लेके हमें हमने किया क्या, पी को लिख दिया, सबसे पहले हमने ब्रैकेट लिया, ठीक है, आपकी मर्जी, पहला स्टेप वन, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, एक हो गया, टू हो गया, थर्ड स्टेप पर क्या किया आपकी मर्जी, उन्होंने पहले ये लिया हुआ, आप ले लें ब्रैकेट को, ब्रैकेट ले लिया हमने, ठीक है, ये ले लिया, अब इस ब्रैकेट का इन्वर्ट ले लिया हमने, ये ले लिया, ठीक है, तीन चार भी हो गया। अब पांचवा क्या किया, क्या किया भाई, पी कन्वर्टर किया हुआ, क्यू कन्वर्टर था, देखें पी कन्वर्टर ले लिया, क्यू कन्वर्टर ले लिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बची एक वैल्यू, ठीक है, वो ये रही, ये हमने ले लिया पाँच। अब सॉल्व कैसे होगा, देखें पी कन्वर्टर क्या होता है, पी कन्वर्टर क्या होता है, यानी पी कन्वर्टर क्या हो गया, टी एफ हो गया, टी एफ हो गया, एफ टी हो गया, एफ टी हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, आगे आए, आगे क्यू कन्वर्टर क्या होगा, वैसे ही होगा जैसे किया, टी एफ हो गया, एफ टी हो गया, टी एफ हो गया, एफ टी हो गया, ठीक है, हो गया। अब पी एंड क्यू, पी एंड क्यू में क्या होता है, हमारे पास यहाँ ट्रू ट्रू होता है, वहाँ ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो पी एंड क्यू में ट्रू 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 हो गया, बाकी सारे देखें फॉल्स हो गया, ठीक है। अब इसका क्या बोल रहा है, इसका इन्वर्ट कर दो, जहाँ ट्रू होगा वहाँ फॉल्स होगा, वहाँ फॉल्स होगा, वहाँ ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो यहाँ पे, ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं भाई कि इसका जो इन्वर्ट है, यानी ये वाला, ये ठीक है टिल्डा पी, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें लेना हैट, यानी इसका हमें करना है एंड, किसके साथ, क्यू के साथ, इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा, हमें पता है एंड में क्या होता है, एंड में जहाँ ट्रू ट्रू होता है वहाँ ट्रू होता है, बाकी सारे फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सारे ट्रू ट्रू हैं, यहाँ पे ट्रू ट्रू है, ट्रू हो गया, बाकी सारे फॉल्स हो गए, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है भाई कि डिफर ट्रू वैल्यू इन रॉ टू एंड थ्री, ठीक है, रॉ टू एंड थ्री में जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई कि ये जो है डिफरेंस वैल्यू आ रही है, देखा जाए सब में डिफरेंस वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ ट्रू डिफरेंस वैल्यू आ रही है, सिंपल इसमें ये बताया गया कि नॉट लॉजिकल इक्वलेंट, तो ये इसके इक्वलेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करने को दिया था इसने यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आ रहा है आपका डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। अब इसको मैं आपको पार्ट बी में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर कीजिए, मिलते हैं इसका पार्ट नंबर बी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।